सर आप कुछ कहना चाहेंगे सर? जी मैं तो इस वक्त बिल्कुल जिस तरीके से हमारा ताजर बिरादरी जो परेशान है और चूँकि ताजर से पुरसकून और कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन आज हम लोग जो पीपल्स पार्टी का जो लाकानूनियत जिसमें कोई बादशाहत इन लोगों ने जो नोटिफिकेशन जारी किए हैदराबाद और कराची का, इससे तो ये जाहिर है कि ये लोग इन दो शहरों को सिंध से ही अलग करना चाह रहे हैं। इसके पीछे मुझे एंटी सिंध का मनसूबा लग रहा है। दूसरा बात ये कि हमारे साथ चीफ जस्टिस साकिब निसार के दौर से लेकर आज तक जुल्म ही जुल्म हो रहा है। लॉकडाउन के नाम पे जुल्म हो रहा है, कोरोना वायरस के उस पे हर पे जुल्म हो रहा है। लिहाजा अभी हम लोग तंग आ गए, हम अपने लोगों को जवाब नहीं दे पा रहे कि हम लोग क्या करें। जो लोग देने वाले थे आज खुदा की कसम इन लोगों की गलत पॉलिसी की वजह से आज वो लेने वाले बन गए। तो लिहाजा खुदा रहा हम हुकूमत से अपील करते हैं कि आप हमारे हाल पे रहम करें। जितने भी ताजर बरादरी इसमें हमारे जितने भी जिम्मेदार हैं, हम आपस में एक अल्हम्दुलिल्लाह और एक ही रहेंगे। और माली मार्केट ताजर इत्तेहाद के सीनियर सदर के हवाले से मैं हुकूमत से पुरजोर अपील करता हूँ कि आप लोगों का आपस की लड़ाई जो है ना, उनका रास्ता हम ताजरों पर जो है ना गिराया जाए, क्योंकि हमारे सीनियर भी हमारे साथ प्रेजिडेंट ली मार्केट। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आज ताजिर इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये पूरी पाकिस्तान के रेड़ की हड्डी की हैसियत रखती है, तो मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए इसे शर्म की बात और क्या हो सकती है कि आज रोडों पे भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। होना तो ये चाहिए था कि वो सर पे बिठा लेते, लेकिन कितने अफसोस की बात है कि मेरे लीडरशिप और पूरी कराची के वो ताजिर नागौर शख्सियत आज रोड पे बैठ के जो है ना अपने भीख मांग रहे हैं टैक्स देने वाला। होना तो ये चाहिए था कि यहाँ वो लोग बैठे होते, लेकिन हम टैक्स दे रहे फिर भी रोडों पे बैठ के अपनी दुकान खुलवाने के लिए, अपने रोजगार खुलवाने के लिए गवर्नमेंट से हम भीख मांग रहे हैं ऐसू तीस के तह। लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है कि डेढ़ साल से मुसलसल इन लोगों ने ताजरों को निशाना बनाया है, आखिर किस वजह से? आइए आप बैठ जाए इस मरकजी कैंप में आ जाए, जो पूरी सियासी लीडरशिप मजहबी लीडरशिप यहाँ आ रहे हैं, अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारों का हक बनता है कि वो आ जाए बैठ के मुजाकिरात कर ले, कुछ ले कुछ ना दे के बात करें। लेकिन ये लोग अपने बजट पे है कि भाई हमें मुजाकिरात भी नहीं कर रहे और अपने मामला भी आगे चला रहे, तो फिर लाजिम बात है कि ताजिर बिरादरी आज रोडों पर भूख हड़ताल की हैसियत से बैठे हुए हैं। कल आप जो है ना वो दुकानें बंद करके रोड पे बैठ के एहतजाज करेंगे, तो मैं गवर्नमेंट सीन से दूर अपील करता हूँ कि खुदारा ताजरों के साथ बैठ के एक लायामल बनाए। ताजर ताउन करने वाला लोग है, करते आ रहे होने की वजह से आज ताजरों का ये हाल है। उम्मीद करता हूँ कि CM मुराद अली शाह साहब इस पर एक्शन लेके ताजर बिरादरी के साथ मुजाकरात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।